हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी मैगी। तो चीज़ी मैगी बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैगी के कुछ पैकेट्स, और अब हम एक एक करके नूडल केक को सेपरेट करके रख लेंगे और हमारे मैजिक इंग्रेडिएंट मैगी मसाला को भी सेपरेटली रख लेंगे। अब हम एक बोल में मैगी मसाला को कट कर उसमें से मसाला निकाल लेंगे और एक बोल में रख लेंगे। उसके बाद हम मैगी मसाला में थोड़ा पानी डालेंगे और उसका अच्छे से घोल बना लेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मैगी बनाना। सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल गरम कर लें। तेल हमें मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम और नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो आइए, हमने यहाँ लिया है प्याज, हरा मिर्चा, कैप्सिकम और टमाटर। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अनियन और इसे सुनहरा होने तक अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब हमारा प्याज हल्का भुन जाए, तब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना कलरफुल लग रहा है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं। अब इसे और 2 से 3 मिनट पकाएंगे हम अच्छे तरीके से। अब हम इसमें अपना मैजिक इंग्रेडिएंट यानी मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं और थोड़ा सा पानी भी साथ ही साथ हम ऐड करेंगे ताकि हमारे नूडल केक अच्छे तरीके से पक जाए। अब इसमें हम अपने चारों के चारों नूडल केक को अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर पकाएंगे। जब हमारा मैगी करीब करीब पक जाए, तब हम उसमें चीज ऐड करेंगे। और फिर इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे।
तो दिख रहा, बाप रे बाप। आप देख सकते हैं हमारी मैगी का कलर कितना सुंदर लग रहा है और हमारी मैगी भी काफी चीज़ी लग रही है। अब हमारी मैगी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं हमारा मैगी कितना चीज़ी लग रहा है और ये टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप एक बार हमारी इस रेसिपी को ट्राई कर ज़रूर देखें। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट।